सिर्फ इस एक ऐप से अब आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी पूरे देश में हो सकती है। ये ऐप हमारे ई-कॉमर्स बिजनेस को पूरे भारत में लॉन्च कर सकता है। अब पूरे भारत में डिलीवरी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बहुत आसान हो गया है, पूरे भारत में डिलीवरी करना बहुत ही आसान हो गया है। हे वेलकम बैक, आज हम बात करेंगे कि कैसे लोबेजो की मदद से हम अपने ऑर्डर पूरे भारत में शिप कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल शर्मा। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं लोबेजो टॉक्स। तो पहले बात करते हैं कि पूरे भारत में डिलीवरी करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो आपका एड्रेस है जहाँ से आपको पिकअप कराना है, वो पिन कोड सर्विसेबल होने चाहिए। घबराइए नहीं, हम 18,000 से ज्यादा पिन कोड पे सर्विस देते हैं, तो आपके पिन कोड के सर्विसेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये आप अपने लोबेजो ऐप पर अब इजीली चेक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी ऑर्डर आप भेज रहे हैं उसका साइज और वेट क्या है। याद रखिए, आपके ऑर्डर का डिलीवरी स्पीड और प्राइस इन 5 चीजों पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस, वेट, साइज, कोरियर कंपनी की रेटिंग और 5वां आपके ऑर्डर का पेमेंट टाइप। हमेशा कोशिश करें कि कोई ऐसा कोरियर पार्टनर चूज करें जिसकी रेटिंग थोड़ी सी अच्छी हो, चाहे वो थोड़ा महंगा हो। इससे आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफली पहुंचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज, आपके प्रोडक्ट का प्राइस। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो आपको एडिशनल इंश्योरेंस लेना पड़ सकता है अपने प्रोडक्ट की सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए। जब आप अपना प्रोडक्ट शिप करते हैं और बाई चांस वो रास्ते में कहीं खो जाता है, तो ये इंश्योरेंस आपको उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। हमने लोबेजो को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि सिर्फ इस एक ऐप से अब आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी पूरे देश में हो सकती है। चौथी चीज, आपने अपने प्रोडक्ट की पेमेंट कैसे ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने अपने प्रोडक्ट की पेमेंट पहले ही ऑनलाइन ले ली है या फिर आप ऑन द स्पॉट कैश ऑन डिलीवरी लेने वाले हैं? जैसा कि हमने पहले बताया था, आपके ऑर्डर के पेमेंट टाइप पे आपकी शिपिंग कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो शिपिंग कॉस्ट थोड़ी कम होगी, और अगर आप सीओडी पेमेंट लेते हैं तो शिपिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सीओडी में कोरियर कंपनी को पेमेंट रिसीव करके आपके बैंक अकाउंट तक भी पहुंचाना होता है, जिसका वो अलग से चार्ज करते हैं। याद रहे, ये ऐप हमारे ई-कॉमर्स बिजनेस को पूरे भारत में लॉन्च कर सकता है, चाहे पेमेंट मोड ऑनलाइन हो या सीओडी, पर बेहतर यही होगा कि वो ऑनलाइन हो, क्योंकि आरटीओ एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। पांचवी इम्पोर्टेंट चीज है आरटीओ। इसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन। जैसे कि आपने कोई ऑर्डर शिप किया और कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, कुरियर कंपनी वो ऑर्डर आपको वापस भेज देगी और उसका चार्ज भी आपसे ही लेगी। मतलब कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा 12 आना, और ये सबसे ज्यादा सीओडी ऑर्डर्स के साथ ही होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। आप अपने रिस्क पर कस्टमर को सामान भेजते हैं और अभी उसकी मर्जी है कि वो उसको रिसीव करता है या नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने प्रोडक्ट का पेमेंट ऑनलाइन लें, और अगर सीओडी ले भी रहे हैं तो इंश्योर करें कि कस्टमर जेन्युइन हो और उसका एड्रेस प्रॉपर हो। और अगर आप 50,000 से ऊपर का सामान भेज रहे हैं तो ईवे बिल भी बहुत जरूरी है। छठी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ईवे बिल। इससे गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि आपका ऑर्डर कहां से कहां जा रहा है और आपने उस पर टैक्स मेंशन किया है या नहीं। ध्यान रहे, ये सिर्फ 50,000 से ऊपर के ऑर्डर पे रिक्वायर्ड होता है, और तभी रिक्वायर्ड होता है जब आपका ऑर्डर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा हो। इसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके जनरेट कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जब आपका ऑर्डर पिक हो उस समय आपको इसका प्रिंट आउट साथ में देना होता है। लोबेजो की पार्टनरशिप शिप रॉकेट के साथ होने की वजह से अब आप अपने सारे ऑर्डर्स लोबेजो की ऐप से ही शिप कर सकते हैं। अब पूरे भारत में डिलीवरी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बस इन बातों का ध्यान रखें और अपने ऑर्डर्स को इजीली शिप करते रहें। बहुत आसान हो गया है, पूरे भारत में डिलीवरी करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप पूरे प्रोसेस को लाइव देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियोस इजीली आप तक पहुंचती रहें। हम बहुत जल्दी एक पूरी डिटेल्ड सीरीज लेके आने वाले हैं, और इस वीडियो को अपने सारे बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस पूरे भारत में लॉन्च करने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।